जिला स्तरीय टास्क फोर्स के साथ विशेष सर्विलांस अभियान संचालन समिति की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी केवीएन पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी केवीएन पांडेन ने कोरोना वायरस संक्रमण वृद्धि के दृष्टिगत इसके रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विशेष सर्विलांस अभियान संचालन के संबंध में कहा कि 5 से 15 जुलाई तक के इस अभियान में टीमें घर घर जाकर माइक्रो प्लान के अनुसार लोगों की कोविड संक्रमण के दृष्टिगत डाटा एकत्र करें तथा इस अभियान में घर घर जाकर संवेदीकरण करने के साथ साथ कंटेनमेंट जोन में ILIS AII एवं नॉन कंटेनमेंट जोन में SARI के रोगियों का सर्वेक्षण किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 2 बजे तक चलने वाले इस अभियान के संबंध में उसी दिन शाम को बैठक कर यह देखा जाए कि किस स्थान पर संक्रमण का खतरा ज्यादा है, वहां पर अगले दिन कैंप लगाकर सैंपलिंग किया जाए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जो संचारी रोग हमारा मान चल रहा है, इसमें 5 तारीख से 15 तारीख तक तो चलेगा। जैसे कि पोलियो की टीमें बनती हैं, उनके सुपरवाइजर्स होते हैं, फिर उसके ऊपर अधिकारी होते हैं, अन्य विभाग का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, उसी तरह ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। कोई भी घर नहीं छोड़ना है, अर्बन का या गाँव का अगर छूटता है तो वो फिर से अगले दिन या अगले समय करना होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, इसमें हम कोविड के केसेस की पहचान, उनके घर वालों को इसकी जानकारी देने के लिए कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, मास्क पहनना, हाथ धोना, 2 गज की दूरी मेंटेन करना, इस पे आशाएं आंगनबाड़ियां सब जाके बताएंगी। पोलियो में 3 लोगों की टीम होती थी, इसमें 2 लोगों की टीम है। पोलियो में जो काम 2 दिन में होता था, पोलियो में जो 1 दिन में होता था वो यहाँ 2 दिन दिया गया है, क्योंकि इनको बहुत सारे रिक्वायरमेंट भरने होंगे, किसकी एज क्या है, घर में कितने लोग हैं, कोमॉर्बिड डिजीज वाले कितने हैं, इसलिए इनको 50 घर ही 1 दिन करना है। और उसको हमको आएगी, हमारी अध्यक्षता में यहाँ हेडक्वार्टर पर मीटिंग होगी और सर की अध्यक्षता में भी बीच बीच में मीटिंग होगी। उसी प्रोग्राम के संदर्भ में आप सबको आमंत्रित किया गया है और हम चाहेंगे करेंगे कि कोरोना कैसे फैलता है और कैसे बचना है। इसमें मेन मैसेज होगा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सही यूज करना और हैंड वॉशिंग मेथड्स। और हमारा इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्ट, यानी किसी को भी फीवर, खांसी या ब्रेथलेसनेस की सिम्टम्स है या जो कोमॉर्बिड कंडीशन है जिसमें डेथ ज्यादा हो रही है, उनको आइडेंटिफाई करना है। यानी मेन हमारे गवर्नमेंट ने 5 बीमारियों को आइडेंटिफाई किया है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, कार्डियक डिजीज। 10 दिन लगातार चलेगी, 11 को सैटरडे RI चलेगा और 8 और 15 जुलाई का RI अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन होगा और संडे भी काम होगा। यानी 5th स्टार्ट संडे हो रहा है, 12th भी संडे आएगा, दोनों संडे काम होगा। तो ज्यादा टाइम मिले इसलिए 1 दिन का काम को 2 दिन में बांट दिया गया। 2 मेंबर का टीम होगा, 1 सुपरवाइजर से 5 लोग, 1 सुपरवाइजर 5 टीम पे होंगे। 8 से 2 बजे तक एक्टिविटी चलेगा। रिपोर्टिंग सिस्टम ये होगा, 4 बजे तक सुपरवाइजर अपने टीमों का कंपाइल करेंगे, उसको ब्लॉक पे सबमिट करेंगे और ब्लॉक से जो है इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट को 6 बजे तक आ जाएगी। जिस तरह से पोलियो की रिव्यू मीटिंग होती है एवरी डे ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसी तरह इसमें भी एवरी डे ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग होगा। आना है जो नॉन कंटेनमेंट जोन में सिर्फ सारी के केसेस को पोर्टल पे चढ़ा देंगे। तो मैंने बताया था सुपरवाइजर पॉइंट्स जो है प्रति घर पे उनका अभियान के पश्चात कोरोना को वायरस के संबंधित वही संक्षिप्त उपयोग कैसे की, पहले सासी बुखार खांसी के बारे में पूछेंगे, बाद में 2 मॉर्बिड कंडीशन को पूछेंगे, पिछले 14 दिन में कोई पॉजिटिव केस के संपर्क में वो आए हैं ये पूछेंगे, और कोई भी अगर कोई भी दिक्कत होता है सिस्टम है 3 नंबर लिखेंगे, यस लिखेंगे और घर नंबर लिखेंगे 24 और नीचे डेट होगा। ये सिस्टम है, रेड हाउसेस या किसी पे भी अगर स्टिकर नहीं लगा होगा तो टीम को उन घरों पे दोबारा विजिट करना है। तो सुपरवाइजर को क्या करना है, पहले भ्रमण में